तो दोस्तों अब हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के लैंड रिसोर्सेज क्या है। तो पहली बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इंडिया का जो भी लैंड रिसोर्स हमें पता है, हम बात करेंगे 93% एरिया की, बाकी 7% का क्या हुआ। तो 93% एरिया जो इंडिया के टोटल लैंड का है वो प्रॉपरली सर्वेड है, और बाकी बचा 7% लैंड जो है वो डिस्प्यूटेड लैंड है जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश की। तो उसके वो लैंड के डिटेल्स हमारे पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। तो जो भी हम इंडियन लैंड की बात करेंगे वो 93% होगा। अब ये जो 93% लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मान लो अगर ये 100% लैंड है तो इसमें से करीब करीब जो हम कहेंगे तीन भाग करेंगे इसमें। पहला भाग है प्लेन्स का, प्लेन्स है और ये प्लेन कितने परसेंट है हमारे, 43% प्लेन्स है। अब इसके बाद हम देखेंगे करीब करीब 30% जो भाग है वो माउंटेन्स का है और बाकी बचा 27% प्लेट्यू है। अब मैं ये आपको समझाता हूं दोस्तों, इवन इंडिया की जो टोटल लैंड है आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया की टोटल लैंड है दोस्तों। तो क्या आपके मन में ये सवाल आया कि ये नंबर मुझे याद कैसे है? अगर आपको भी नंबर को याद करना है दोस्तों, आसानी से याद करना है, तो डेफिनेटली ये जो ऊपर दी गई लिंक है इस पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो जरूर देखिए। आपने अगर अब तक नहीं देखा तो मेरी विनती है आपसे, पॉज कीजिए, पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको आसानी होगी नंबर याद रखने में। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं मैंने इसे कैसे याद रखा। मान लो ये जो 3.28 है ना वो हमारे इससे 3.28 MNV यानी इसको मैंने याद रखा, इंडिया की जो टोटल लैंड है वो मानव वर्ड से याद रखी मैंने। अब ये देखिए 43 से बना राम आर और एम, और फिर ये है 27 से बना एन और के यानी नाक, और 30 इससे बना एम और एस। तो राम एक लड़का है राम नाम का जिसके नाक पे मस्सा है, नाक पे मस्सा होता है ना वो है, इस तरीके से मैंने याद किया। और ये टोटल क्या है, एक मानव है जिसका नाम राम है, एक मानव है जिसका नाम राम है उसके नाक पे मस्सा है। तो ये आपको याद रहेगा दोस्तों, वो वीडियो देखिए। कुछ लोगों को ये मजाक लगेगा बट मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो भी ब्रिलियंट बच्चे हैं एग्जाम में अच्छा कर रहे हैं वो ऐसे टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि कितने नंबर याद रखोगे दोस्तों, आपको नंबर का पिक्चर बनाना आना पड़ेगा, और इसलिए मेरा वो वीडियो डेफिनेटली देखिए दोस्तों। तो ये क्या है, आपने देखा इंडिया का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको समझाता हूँ प्लेन्स माउंटेन्स और प्लेट्यू क्या होते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं प्लेन, प्लेन यानी क्या है, प्लेन एरिया समतल एरिया, ओके प्लेन का मतलब है समतल एरिया। माउंटेन्स क्या होते हैं, आप सभी ने माउंटेन बहुत बार ड्रॉ भी किए होंगे, कभी कभी ऐसे यहाँ पे आपने सूरज को उगता हुआ ये भी निकाला होगा है ना, तो माउंटेन भी हमें समझ में आते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा प्लेट्यू क्या होता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो माउंटेन्स होते हैं ना इनके माउंटेन के टॉप पे, ये तो जमीन यानी ये लोअर लेवल पे है, बट माउंटेन के टॉप पे भी हमारे यहाँ कई बार लैंड होती है, ओके प्लेन लैंड। जैसे महाराष्ट्र की मैं अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास पांचगनी में एक प्लेटो है, ओके अब ये जो है ना अलग अलग लैंड है, अभी इसका भी अलग अलग प्रयोग होता है, हाँ या ना। जैसे मान लो अगर प्लेट्यूस है तो प्लेट्यूस पे आपको क्या मिलता है, प्लेट्यूस पे होते हैं फॉरेस्ट, प्लेट्यूस पे होते फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं आपको, साथ में ही मिनरल्स भी मिलते हैं, हाँ या ना। जो प्लेन्स है वहां पे डेफिनेटली यूज होगा एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, पॉपुलेशन वहां पे रहता है तो काफी सारे यूजेस उसके है। और माउंटेन्स का क्या यूज है, माउंटेन्स का सबसे बड़ा यूज जो है वो तो है कि वहां से नदी चलती है, और जो हम कहते हैं ना कि पूरा साल वहां से पानी की उपलब्धियां हमें मिल जाती है दोस्तों। तो ऐसे कई सारे उपयोग है लैंड के अलग अलग फॉर्म के। अब हम देखेंगे इंडिया में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है या फिर लैंड के टाइप्स क्या।